जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों का रुझान है और हम लोग 5 नंबर के पार्क में हैं। इसी बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहेंगे हमारे चेयरमैन से। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप यहाँ के चेयरमैन हैं? जी मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम वसीमुद्दीन मेओ, UC-25 का चेयरमैन हूँ। कोरंगी का फोकल पर्सन हूँ। 13 UC हमारे अंदर में आती है, कोरंगी टाउन। सही। और ये बताएं कि आपका यहाँ का ये पार्क कैसा है? पार्क तो ये मैं बोलता हूँ ये सिर्फ कोरंगी के लिए नहीं, लांडी कोरंगी शाह फैसल मलीर के लिए तोहफा है। पार्क जो है ना हमारा कोरंगी नंबर 5 का मॉडल पार्क के नाम से है और इसके सरबरा इरफान भट भाई हैं माशाल्लाह, और ये हमारे लिए तोहफा है। सही। अच्छा मुझे बताएं आपकी यहाँ की इंतजामिया कैसी है? इंतजामिया बहुत अच्छी है माशाल्लाह। देखें आप ये बिल्कुल एंड चल रहा, मगर सफाई आप इस टाइम भी देख लें क्योंकि इंतजामिया के यहाँ 8 से 10 बंदे मौजूद रहते हैं जो वफ़े वफ़े से थैली कचरा जो भी है वो उठाते हैं, और बेहतरीन निज़ाम है यहाँ का और हमें खुशी होती है और जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है कि हमें ये मॉडल पार्क। कि आप लोगों ने यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज रखी है, क्या क्या और मजीद है? अच्छा देखें बच्चों की नहीं है, झूले लगे हुए हैं और खाने का सामान भी है, जंपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ और बाजार स्टॉल भी लगे हुए हैं इधर आपको। यहाँ तकरीबन पार्क में हमारे 5 नंबर के मॉडल पार्क में हर चीज़ मिलेगी और यहाँ के सरबरा इरफान भट भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं और हमारी दुआएं और हमारा साथ इरफान भट भाई के साथ। और एक चीज आपसे मैं और पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जो खाने पीने की चीजें हैं क्या वो ताजी बनती हैं या क्या सीन है उसका? जी बिल्कुल ताजी बनती हैं, आपको विजिट कराएंगे इंशाल्लाह यहाँ का बिल्कुल हर चीज यहाँ ताजी बनती है, फिर तैयार होती है, फिर दी जाती है और कीमतें भी यहाँ बहुत मुनासिब है। चले फिर नाज़रीन हम लोग चलते हैं इनके साथ विजिट पे देखने के लिए। मेरा नाम अनवार शेख है, मैं न्यूज चैनल कोहिनूर टीवी के अंदर एज ए चीफ कॉमर्स रिपोर्टर हूँ कराची शहर के अंदर। मेरे यहाँ हमारे यहाँ आज वर्दियों का सिलसिला था तो मैं तमाम चैनल्स के लोगों की वर्दियाँ बनवा के बाकायदा चैनल के ऑफिस में अपने ब्यूरो चीफ सज्जाद अली शाह साहब को दे के और वापस प्रिंटिंग प्रेस गया हूँ। वहाँ से वापस अपने घर आ रहा था तो 2 डाकू जो है उन्होंने मुझे घेरा और मुझे जान से मारने की धमकी दी और उसी दौरान उन्होंने मुझ पर बाकायदा गन लोड की कि हम आपको जान से मार देंगे। मेरा सेल फोन लिया, मेरा पर्स लिया, मेरा गवर्नमेंट प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड, तमाम मेरे जितने भी मीडिया के कार्ड्स थे, और उसके बाद इसी दौरान 3 जवान जो है पुलिस के वो वहाँ अचानक वो रोड क्रॉस करके अचानक वो आए और उन्होंने जो है वो बकायदा उनके साथ मुकाबला शुरू हुआ। पहला फायर उन्होंने मुझे मारा बहुत करीब से, उसके बाद मेरे जो पुलिस जवान हैं मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज इन्होंने हक अदा कर दिया जो मैं समझता हूँ। आज जो मैं ज़िंदा बैठा हूँ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तो इन जवानों की बदौलत बैठा हूँ। मैं इनको बहुत स्पेशली रिस्पेक्ट करता हूं और अल्लाह ने मुझे आज नई ज़िंदगी दी है और इन जवानों ने खेल के बाकायदा मुकाबला किया और दोनों तरफ से फायर हुए हैं। बस अल्लाह का बड़ा करम था, मेरे ये तमाम साथी भी महफूज रहे और आज मैं भी महफूज हूं। शुक्रिया।